हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपिका चौधरी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी में। आज इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में पहली बार डबल हेडर खेला जाएगा। शनिवार 3 अक्टूबर को दोपहर और शाम को दो मुकाबले खेले जाने हैं। पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा, तो दूसरे मैच में दिल्ली कैपिटल्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने होगी। पहला मुकाबला दोपहर 3:30 तो दूसरा मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। शनिवार का दिन फैंस के लिए डबल धमाल होने वाला है। चार दमदार टीमों के बीच जोरदार मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की टीम पहली बार इस सीजन में आमने सामने होगी। दोपहर 3:30 बजे मुकाबला अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला दिल्ली और कोलकाता के बीच खेला जाना है और ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शारजाह में होगा। युवा श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली दिल्ली अनुभवी दिनेश कार्तिक की टीम के सामने उतरेगी। ये मैदान छोटा है और यहाँ बड़े स्कोर बनने की उम्मीद है। दर्शकों को दूसरे मुकाबले में छक्के और चौकों की बरसात देखने को मिल सकती है। दोपहर के मुकाबले में भिड़ने वाली राजस्थान और बेंगलोर की टीमें 5वें और 6वें स्थान पर हैं। दोनों ने 3 मैच खेलकर 2 में जीत हासिल किया है। इस वक्त दिल्ली की टीम ने 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरा स्थान हासिल कर रखा है। वहीं कोलकाता ने भी 3 मैच खेलकर 2 मैच जीता है और नेट रन रेट कम होने की वजह से तीसरा स्थान पर है। कि 4 बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। अब ये देखना होगा कि कौन जीतता है और कौन कितने रनों का लक्ष्य हासिल करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। वीडियो में दी गई जानकारी के लिए आपकी कोई भी राय हमें जरूर कमेंट करें। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना ना भूलें और भी ऐसे जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ऑल इन्फो हिंदी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके।